Okay, so welcome back. Good morning. And I already see some will be definitely in the waiting room. Obviously, aajkal roz password change karna pad raha hai. As per central government guidelines, Zoom is not safe. Chalo, whatever it is. Yeah, anyway, still going with that only. Okay, okay. So yesterday we were discussing about capacitors, two capacitors to be precise, and one of them having an initial charge of Q0, and the other having initially no charge. However, getting charged finally because being connected by a wire and so on. And they have been very specifically placed very far away. Us far away ka bhi role hai. Agar far away nahi karoge, to in that case kya hota hai ki potentials calculate karne mein dikkat aati hai. Plus aapas mein induction hoga. To jo charge distribution hoga sphere ke upar, wo bhi non-uniform ho jayega. So these are hindrances. Waiting room वगैरह चलता रहेगा. So like what we started off yesterday was this. कि मान लो एक capacitor है. I mean a sphere is a capacitor, only spherical capacitor. और एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा simplified वाला version वाले ले लेता हूँ. एक है R और दूसरा है मान लो R by 2, isn't it? Himanshu Global, इतने मिल गया. तो initial charge जिसमें दिया हुआ है Q naught. और फिर बाद में दे आर वेरी फार अवे एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे और यहां पे एक स्विच रख दिया. तो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट व्हाट विल द चार्ज फ्लो. ठीक है ना, व्हाट विल द चार्ज फ्लो व्हेन लेट्स से दे आर कनेक्टेड. तो पहला तो यही कैलकुलेट करना चाहूंगा कि क्या चार्ज फ्लो हो रहा है. तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ. मैं कहता हूँ कि लेट्स से इसका चार्ज हो जाता है Q1 डैश कुछ एक ऐसे नोटेशन फॉलो करते हैं जो कि इसी ठीक है. इसका चार्ज हो जाता है सबूत आफ्टर वन स्विच ऑन. लेट्स से इसका कैपिटल Q1 और इसका स्मॉल Q1. तो सेकंड टाइम कैपिटल Q2 स्मॉल Q2 इस तरीके से पूरा चलता जाएगा. ठीक है ना, तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो. अभी दैट वुड बी गुड. ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन. सक्षम अभी दिव्यम सत्यम भी आ चुके हैं. तो लाइक फाइनल पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि Q1 बाय R इज इक्वल टू K Q0 माइनस Q1 बाय R बाय 2. ठीक है, आई थिंक दैट्स ओके. तो R तो कैंसिल होगा, ट्वाइस हो जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा, यानी Q1 इज इक्वल टू 2Q0 minus 2Q1, that is Q1 will become equal to 2Q/3. इसका मतलब समझो, मैं एक चीज का ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाह रहा हूं कि फर्स्ट चार्ज फ्लो कितना होगा. चार्ज फ्लो फर्स्ट टाइम कितना हुआ, मैं इसका Q0 था और Q1 हो गया 2Q0/3. That means Q0 by 3 flow करके गया. तो first time तो charge flow करके गया है Q0 by 3. Is that okay? चलो अब देखो ध्यान से. Next time क्या किया मैंने, इसको Q0 कर दिया. और ध्यान रखना उसमें already Q0 by 3 है. That means अगले बार का जो equation बनेगा वो बनेगा कि Q0 minus x
तो मैं ये मान के चल रहा हूं सपोज कि x फ्लो करके चला गया, देयर इज नो हार्म. अपॉन r इज इक्वल टू k, उधर ऑलरेडी q नॉट बाय 3 आ चुका है इसमें, है ना, ये कहीं नहीं जा रहा है. इसी में हमने चार्ज को दोबारा रिप्लेनिश कर दिया अप टू q नॉट. ये क्वेश्चन ये हो जाएगा q नॉट बाय 3 प्लस x बाय r बाय 2. ठीक है, ये इसका अगले स्टेज का इक्वेशन बन रहा है. अ क्विक रिकैप, अभी एक क्विक रिकैप फॉर दोज हु जस्ट जॉइंड अस, अभी एंड दैट इज इनिशियली क्यू नॉट था, इसका इनिशियली जीरो था, इसका फाइनल चार्ज मैंने लिया क्यू वन और इसका कैपिटल क्यू वन, है ना. तो इसका पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर, इसका रेडियस आर है, और उसका हो जाएगा के क्यू नॉट माइनस क्यू वन, क्योंकि जो क्यू वन रह गया बाकी चला जाएगा, तो क्यू नॉट माइनस क्यू वन बाय आर बाय, तो उससे सॉल्व करिए q1 आ गया q0 by 2 q0 by 3 यानी q0 by 3 वहां चला. इसके मतलब फर्स्ट टाइम चार्ज फ्लो कितना हुआ q0 by 3, मैंने इसका ट्रैक रखा. अगले बार क्या होगा, इसको फिर से रिप्लेनिश किया q0 था, तो k q0 minus x, तो मैं मान के चल रहा हूं कि x अब चला गया, ये सेकंड टाइम की बात. तो दिस इज ऑल फर्स्ट टाइम फर्स्ट ऑपरेशन, एंड व्हाट आई एम नाउ डूइंग इज द सेकंड ऑपरेशन. तो इसके लिए क्या हो जाएगा ना, वाइस तो हो जाएगा q नॉट माइनस एक्स इक्वल टू टू बाई थ्री क्यू नॉट प्लस टू एक्स. तो इधर आ जाएगा, वो जाएगा यानी x हो जाएगा इक्वल टू, सो द चार्ज फ्लो द सेकेंड टाइम इज q नॉट बाई 9. Now this is interesting. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं अगले फेज का देखता हूं, इसके भी अगले फेज, यानी आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड फेज. देखो थोड़ा बहुत तो हिंट मिल चुका होगा कि पहली बार क्यू नॉट बाई 3 फ्लो किया है, अगले बार क्यू नॉट बाई 9 फ्लो किया है, कुछ तो है. तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कवर, इज इट सम काइंड ऑफ अ ट्रेंड और इज इट सम काइंड ऑफ वन ऑफ थिंग, बस उतना ही पता करना. तो थर्ड वाले में क्या होगा ना, अगेन q नॉट माइनस एक्स बाई आर, इसको फिर रिप्लेनिश करूंगा मैं, है या नहीं. अच्छा, इसका चार्ज कितना हो चुका q नॉट बाई 3 पहली बार का था और q नॉट बाई 9 फिर से आया हुआ, है या नहीं, यानी 4 q नॉट बाई 9 इसका सेकेंड स्टेज के बाद का चार्ज, यानी अब क्या होगा is equal to k into 4 by 9 q naught plus x. क्योंकि थर्ड स्टेज में जब मैं स्विच ऑन करूंगा तो दैट केस फिर से कुछ चार्ज फ्लो करके गया, मैं उसको भी x ही मान रहा हूं, मैं x थर्ड वाले स्टेज का कैलकुलेट करना चाहता हूं by r by 2 implies अभी तो हो जाएगा q naught minus x कैंसिल होके twice चला गया, तो 8 by 9 q naught plus 2x यानी 3x आ गया equal to q naught by 9, that means x equal to q naught by 27. इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये ट्रेंड मिल गया. ट्रेंड क्या मिल रहा है कि हर बार, है ना, वो क्या रहा है कि पहले तो इसका जीरो था, इसका q naught था, तो जैसे मैंने दोनों को टच कराया स्विच ऑन करके, तो कुछ ऐसे हुआ, इसको तो फिर रिप्लेनिश कर दिया मैंने फिर q naught पे, फिर स्विच ऑन किया तो कुछ ऐसे हुआ, इसको फिर रिप्लेनिश कर दिया, फिर स्विच ऑन किया तो ऐसे हो गया. और इसमें अब इसको फॉलो किया जाए, इसमें जीरो चार्ज से स्टार्ट हुआ, पहले हो गया क्यू नॉट बाई 3, फिर हो गया प्लस क्यू नॉट बाई 9, फिर हो गया प्लस क्यू नॉट बाई 27, फिर हो गया प्लस क्यू नॉट बाई 81 एंड सो ऑन. यानी आफ्टर एन ऑपरेशन, है ना, आफ्टर n such operations, q naught का चार्ज क्या होगा या r वाले रेडियस का चार्ज क्या होगा q naught minus something, ये fill in the blanks करो. और जो r by 2 रेडियस वाले का चार्ज होगा वो होगा sigma of all these things. नंबर
नंबर थ्री इज दैट जो चार्ज फ्लो होगा वो होगा क्यू नॉट बाय थ्री टू द पावर सम. अब एक काम करो, हाफ अ मिनट का टाइम ले लो, नॉट मोर देन दैट, एंड जस्ट फिल अप द चार्ट, एंटायर चार्ट, ठीक है ना. देखो जरा क्या बोलते. अच्छा मैंने एक सिमुलेशन क्या किया, ये आर्बिट को किया, बट एक्चुअली यू नो व्हाट, इट वर्क्स इवन व्हेन इट इज लेट्स से कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, उसमें भी काम करता है. बस वो थोड़ा सा रेशियो वेशियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, दैट्स द ओनली अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इट, बट अदरवाइज देयर इज अ ब्यूटीफुल सीक्वेंस इन दिस एंड दैट इज इट विल ऑलवेज हैपन इन जी, वो चाहे रेडियस कुछ भी ले, बस कंडीशन वही है कि ये वापस रिप्लेनिश होके क्यू नॉट होना चाहिए, ठीक है ना. दैट्स द ओनली थिंग. चलो आप देख लो. चलो मैं कुछ तो मैं खुद ही मेंशन कर देता हूं, क्यू नॉट बाय थ्री टू द पावर, एंड दिस विल बी टू द पावर. यानी यहां पे भरना है, यहां पे भरना है, यहां पे भरना है, तुम्हें क्या भरना है, बस पावर्स बता दो, कॉमा से पावर्स बता दो बस. कॉमा देखे बस पावर्स बता दो क्या होना चाहिए. In the meanwhile, what I'm doing is that I'm just sharing. Just give me half a minute. I will share. Okay. Answer to aa chuka hai sabka n n n n aa raha hai. Is sab mein n dal do. To dekho pehli baar to ye to n hi hoga. Kyun? Kyunki pehla stage ke baad bhi to yahi hua tha q not minus q q not by 3. Ye jo 2 q not by 3 aaya wo to wahi hai. Agle mein jo charge flow hua wo q not by n 9 hai. Yani q not by 3 ka whole square. देन उसके पास चार्ज क्या रह गया आफ्टर दिस स्विच इज पुट ऑन, तो इसका चार्ज क्या होगा, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट बाई थ्री का कोई पावर, तो वो भी देखना एन होगा. और आर बाई टू पे क्या जाएगा, सिग्मा ऑफ क्यू नॉट बाई थ्री टू द पावर आर या एन या जो भी कहना चाहो, तो ये भी एन होगा. और चार्ज फ्लो क्या आ रहा है, सर क्यू नॉट बाहर नहीं होगा ब्रैकेट के, यस सर थ्री पे ही आएगी पावर, वो क्यू नॉट बाहर होगा, वन थर्ड का होगा. ये ना उसके रेडियस के ऊपर है. अब अगर तुम इसको आर और आर बाई थ्री लेते तो कुछ और आएगा, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर लोगे तो कुछ और आएगा, एंड सो ऑन. सो दैट्स हाउ द फॉर्मेट ऑफ द डिजाइन एंड इन सीक्वेंस इट इज गोइंग टू हैपन इन दिस वे, ठीक है ना. दैट्स द क्वेश्चन. इसके ऊपर देखना, कोई भी बुक वगैरह सॉल्व करो, देखना एक दो क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं. और जे एडवांस में भी एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, देखना दो तीन क्वेश्चन आए हुए हैं. अगर लास्ट 30-40 साल का पेपर करोगे, अभी स्टार्ट मत करना, आई मीन वंस द सिलेबस इज ऑलमोस्ट 80% ओवर तभी करना, अदरवाइज क्या होता है ना वो थोड़ा सा फ्लो नहीं बनता, ठीक है ना. बट वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट यू विल सी दैट दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव कम इन द पेपर अर्लियर आल्सो, ठीक है ना. चलो बाकी जो है ना, मैंने तो आर और आर बाई टू का किया है, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का ऐसे ही खुद से कर लेते, ठीक है. चलो नाउ अब मैं एक दो होमवर्क और दे देता हूं, दिस यू कैन डू एट होम. नंबर वन इज दैट हमने इसके ऊपर फोर्स ऑन डायलेक्ट्रिक सॉल्व किया था, यानी
लेकिन हमने जब सॉल्व किया था तो कैपेसिटर में सेल कनेक्टेड था, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को दोबारा करो विदाउट सेल कनेक्टेड, तो कुछ इनिशियल चार्ज क्यू ले लो और एरिया प्लेट एल इंटू बी कर लो, लेंथ ये हो गया और उधर वाला ब्रेड्थ हो गया, वो तो खुद ही समझ जाते हो, और बस और क्या चाहिए, डी चाहिए और एक एप्सिलॉन आर। तो क्वेश्चन वही है, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, ये भी एक बार दोबारा ट्राई कर लो। और एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, एक्चुअली इस क्वेश्चन के पीछे एक इतिहास है कि एच सी वर्मा जो है ना पहली बार पब्लिश हुआ था 1992 में शायद, और उसमें एक क्वेश्चन था जो कि मैं देने वाला हूँ, तो एक्सरसाइज में है देख लेना मिलेगा, और वो आई थिंक आईआईटी जे एडवांस में 95 या 96 में आया, ठीक है ना। अब एक नया बुक आया मार्केट में और उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, और उस साल 2 या 3 क्वेश्चन आ गए थे बिल्कुल डायरेक्ट बुक से, अब वो कोइंसिडेंस था या क्या था या नहीं था मुझे नहीं पता, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। कई लोग कहते हैं कि मतलब ये बुक को चलाने के लिए, क्योंकि एच सी वर्मा आल्सो रिलेटेड टू आईआईटी कानपुर एंड ऑल, तो मुझे याद नहीं कि उस साल पेपर किसने बनाया था, बट दैट्स कुछ लोग बोलते हैं, बट एनीवे आई डोंट वांट टू गो इनटू दोस, बट कुछ लोग कहते हैं। और उसके बाद तो बुक इतना ज्यादा बिकने लगा, तो वो जो 2-3 क्वेश्चंस कॉमन आ गए थे तो एक मास में इसमें फैल गया, अरे आईआईटी जी एडवांस का पेपर एच सी वर्मा से बनता है एंड सो ऑन, नथिंग लाइक दैट। अभी पढ़ता नहीं, भूल जाता है कई बार ऐसे, जैसे हमारे यहाँ गणेश की मूर्ति भी दूध पीने लगते हैं, इट इज नथिंग बट सरफेस टेंशन इन वर्क, बट ये सब कौन समझाए। सो द क्वेश्चन इज, ये एक वो है प्लेट है, तो अपने आप एल बी वगैरह ले लो, दैट यू कैन टेक योरसेल्फ। और हमने क्या किया, इस पे डाइलेक्ट्रिक रखा ऐसे, एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे रखा, ठीक है, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक बिल्कुल सटा के रखा है, कोई गैप नहीं है, तो गैप में दिखा रहा हूं सो दैट एक्चुअली बनने लायक। तो ये हो गया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लो एप्सिलॉन आर 1 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लो एप्सिलॉन आर 2, बाकी वही है, लेंथ है एल, ये लेंथ एल हो गया और उस तरफ का ब्रेथ हो गया और ये डिस्टेंस डी है। इसका जो है तुमको इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल, ठीक है, इसका तुमको एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट। इट्स अ लिटिल लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला, थोड़ा सा लंबा है, बट ठीक है, आई मीन गो अहेड विद दिस क्वेश्चन, एंड दिस आल्सो विल डिस्कस, ठीक है, बट वंस यू गिवन अ ट्राई, जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन आल्सो आई हैड गिवन यस्टरडे एंड वी हैव जस्ट डिस्कस्ड द वे ऑफ डूइंग, इसमें चार्ज फ्लो जो है ना जीपी में रहता है, दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। Okay, so with those two questions as homework, let's wind up the discussion on this chapter here only. शायद हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, जैसे कि बाकी बैचेस में करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी 2-3-4 क्लास हो चुके हैं, बट डजंट मैटर, ठीक है, इस आगे पीछे चलते रहेंगे। अब उनके देखना मॉडर्न फिजिक्स में ज्यादा टाइम लगेगा, हम लोगों का तो मॉडर्न फिजिक्स एक एक दिन में सारे चैप्टर होते रहेंगे, रीजन बीइंग दैट यू हैव डन 80-90% ऑलरेडी इन केमिस्ट्री। जैसे एटम वैटम देखना, एक नया फॉर्मूला तक नहीं, पूरे चैप्टर ऑफ एटम में एक नया फॉर्मूला नहीं है, यू हैव रीड एवरीथिंग इन केमिस्ट्री, मतलब सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे। फिर न्यूक्लियस चैप्टर है, एक सिंगल न्यू फॉर्मूला नहीं, मींस व्हाटएवर यू हैव रीड इन केमिस्ट्री, न्यूक्लियस एटम, फिर डुअल नेचर, फिर अगर एक्सरे पढ़ चुके तो एक्सरे, ये चार टॉपिक्स ऐसे है जिसमें सिंगल न्यू फॉर्मूला नहीं है फिजिक्स, ऑल केमिस्ट्री फॉर्मूला, बल्कि केमिस्ट्री में ज्यादा फॉर्मूले पढ़े होंगे, इसमें तो हम लोग कम पढ़े, ठीक है ना। सो देयरफॉर दोस चैप्टर्स हैपन वेरी फास्ट, सो दैट्स व्हाई इट डजंट मैटर। सो लेट्स स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मींस करंट, इट डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसलिए आई को हम लिखते हैं एज डीक्यू डीटी, नहीं तो कई बार आई को लिख देते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, या इवन समटाइम्स एज इक्वल टू क्यू बाय टी, बट दिस इज इन यूनिफॉर्म।
और ये ऐसे नहीं कि ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ये जनरल, ये किसी के लिए, ऑल केसेस, और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ये काम करेगा। अब मैं इसके ऊपर स्टेट में एक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूंगा, एज दैट इज सपोज दिस इज अ चार्ज स्फीयर। कई बार ऐसे चार्ज स्फीयर को रिजर्वायर ऑफ चार्ज भी बोला जाता है, रिजर्वायर मींस जो चार्ज को पकड़ कर रखा। और लेट अस से कुछ क्यू दे दिया इक्वल टू सपोज 2TQ minus 24T, ठीक है, ये सपोज चार्ज फाइन, तो ये इसका चार्ज है और ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है, एक तो फाइंड आउट द करंट, दैट इज फाइन, फाइंड आउट द करंट दैट इज फाइन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इज वन मोर क्वेश्चन, एंड दैट इज, एंड दैट इज कि एट टी इज इक्वल टू -0.7 what is the value of current and the direction? Direction तुमको बताना या तो ए बी या तो बी ए, है ना? I didn't know they asked कि chapter खत्म, so I don't know whether you become happy or you become unhappy, but yes, as of now over है, ठीक है? I mean, see, the ideas we have discussed, baki to dekho, there is no end to discussions. Abhi aur questions karoge to dekhna aur bhi cheeze milte jayenge, kahin charge ka idhar udhar hona, ye sab karna, dielectric, electric. So, bahut sari cheeze hai, but then I think we have done a basic discussion. Now, go ahead and solve questions, isn't it? So, ye T ho gaya, I ho gaya direction. Ab main kuch specific time de raha hu, ek to 0 second pe, 1 second pe, 2 second pe, 10 second. और एक आध और सेकंड पे भी ले लेते बस ज्यादा। हाँ जी, तुमने काले स्टाफ, तो सबसे पहले तो डीक्यूडीटी, I think there is nothing great in this question, so हम थोड़ा start करते हैं, ठीक है ना? तो dq dt क्या हो जाएगा? 60 square minus 24। अगर t is equal to zero देखता हूँ, है ना? t is equal to zero देखता हूँ तो minus 24 आ रहा है। तो खैर plus minus नहीं, हम तो magnitude बता रहे हैं, हम तो लिखेंगे 24। फिर 1 second पे तो माइनस 18, तो यानी आप लिखेंगे 18 है। 2 second पे 0 आ रहा है, इज अ पॉज। 10 second पे 600 minus 24, है ना? तो ये 576 है। फिर 100 पे तो बहुत ज्यादा है ना, तो लाइक 10,000, 60,000 माइनस दिस, तो लाइक 59,976। चलो वो तो छोड़ो, 59,976। चलो डायरेक्शन पहले वाले का क्या होगा, डायरेक्शन पहले वाले का क्या होगा? ए बी बी ए, डायरेक्शन पहले वाले का क्या होगा, ए बी या बी ए? यस, डायरेक्शन पहले वाले का ए बी या बी, अगर इसको देखना है तो ओके। और शिवम ने आंसर दिया है अच्छा अच्छा, मतलब सब में बी ए बी ए बी ए बी, नहीं यार थर्ड वाले में तो करंट ही नहीं है, चलो वो तो ठीक है, बी ए ओके, यानी सबका आंसर है बी ए। रोहन वीर ने दिया ए बी, ए बी हो गया पॉजिटिव के लिए, इज व्हाट जय गोयल सेज, मनन सेज ए बी, धैर्य सेज ए बी ए बी। ओके देखो, इसमें इसमें ना मैं बता दूं क्या होता है, कई बार हम मिसलीड कर जाते हैं साइन देख,
देखो यहाँ पे ना साइन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन, साइन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन बिकॉज जरा सोचो ये तार एपी हम उस तरफ भी तो रख सकते, यही तार एपी तो आंसर थोड़ी बदलेगा, आंसर अभी भी माइनस आएगा। लेकिन अगर मान लो चार्ज यहां से यहां जा रहा है तो अगर इस तार को यहां रख दो इन दैट केस चार्ज वहां जाएगा, यानी बेसिकली क्या है कि यहां पे चार्ज का रिडक्शन और चार्ज का इंक्रीमेंट ये साइन से रिप्रेजेंट होता है ना कि डायरेक्शन। डायरेक्शन का इंटरप्रिटेशन हमें करना बस समझ लो, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो कल को मैं वायर यहां पे भी जोड़ूंगा, यहां पे भी जोड़ूंगा, यहां पे भी जोड़ूंगा, तो हमारे लिए एक्चुअली फिजिक्स के हिसाब से एक ही केस है, चार अलग अलग नहीं है या नहीं, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड देयरफॉर यहां पे देखो dQ dt आ रहा है नेगेटिव, बेसिकली पहले दोनों में तो नेगेटिव आया था, पहले तो मैग्नीट्यूड के चक्कर में पॉजिटिव लिखा है बट पहले दोनों तो नेगेटिव आया। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि इस रिजर्व वायर का चार्ज डिक्रीज कर रहा है, दैट इज द पॉइंट। तो अगर चार्ज डिक्रीज कर रहा है मान लो, सो इफ द चार्ज इज डिक्रीजिंग दैट मींस चार्ज इज गोइंग अवे, यानी क्या हो गया ए टू बी, यानी नेगेटिव का मतलब एक्चुअली होता है ए, यानी ए से बी, तो ये भी नेगेटिव है यानी ए से बी, ये तो चलो डायरेक्शन ही है नहीं, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब है इसका चार्ज बढ़ रहा है, इसका चार्ज बढ़ रहा मतलब क्या, चार्ज आ रहा है। एंड याद रखना बाई डिफॉल्ट हम लोग पॉजिटिव चार्ज को ही चार्ज मानते हैं व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इट्स फिजिक्स डिस्क्रिप्शन। चार्ज हमें पता है दोनों टाइप का है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो सब छोड़, बट हम लोग अपने हिसाब से सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, यानी ये हो गया पी टू ए, ये भी हो जाएगा पी टू ए। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं जो कि थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, सिली मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पे साइन जो है डायरेक्शन नहीं बता रहा है, साइन एक्चुअली मैग्नीट्यूड का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बता रहा है। So interpret more in calculus terms rather than in vector I cap j cap k cap terms when it comes to the interpretation of sign. ठीक है ना? चलो, so that was about current electricity. ये current होता है क्या है? वैसे तो इसका graph भी बनाया जा सकता है. 24 t cube minus 24 t, if you draw the graph would be what, somewhat like this. ऐसे कुछ graph होगा क्या? तो ये इसके पहले का बनाने का तो sense बनता नहीं. तो देखो करंट पहले नेगेटिव इसके आ ये वाला नेगेटिव, फिर यहाँ पे जीरो है, ये जीरो है, ये हो गया तुम्हारा जा दो सेकंड है ना, तो दिस इज द चार्ज वर्सेस टी डायग्राम। और फिर चार्ज भी कहीं ना कहीं जीरो होगा, चार्ज भी तो दो बार जीरो हो रहा है इज इट, वो एक्चुअली ऐसे भी आएगा इज इट, ये ग्राफ तो कुछ ऐसे होगा ना, क्यूबिक ग्राफ तो ऐसे ही होता है। जैसे अगर देखो इन दैट केस टी इज इक्वल टू जीरो और इस पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस रूट 12 है ना, ये वाले यहाँ पे और यहाँ, तो प्लस माइनस रूट 12 पे जीरो आ रहा है, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस एंड लाइक दिस। बट देन टी इज इक्वल टू नेगेटिव पे तो कोई सवाल पूछा नहीं जा रहा है, तो देयरफॉर वी आर नॉट गोइंग टू दैट, बट एक्चुअली द ग्राफ इज लाइक दिस। तो देयरफॉर यहाँ पे करंट, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव, यहाँ पे जीरो फिर पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव तो उसका तो पॉजिटिव होगा, इसका तो 100 100 सारा पॉजिटिव आ गया, रिपीट कर दिया एंड सो ऑन, दैट्स द कंप्लीट इंटरप्रिटेशन, रेस्ट यू कैन डू योरसेल्फ। चलो लेट्स प्रोसीड नाउ, द फर्स्ट एस्पेक्ट दैट वी विल डिस्कस व्हेन इट कम्स टू करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्वियसली ओम्स लॉ। अब देखो क्लास 10th में, इंटरेस्टिंगली क्लास 10th में ओम्स लॉ पढ़ के ना एक बायस हो जाता, बायस इन द सेंस कि हमें ना हम लोग रेजिस्टर्स को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे, बट एक्चुअली पता क्या है कि रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंस आउट ऑफ ऑल द सर्किट एलिमेंट्स इज द लीस्ट। बट देन क्लास 10th में क्योंकि हम लोग सिर्फ रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, तो हमारे दुनिया जो है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में या सर्किट्स में खास करके सिर्फ रेजिस्टेंस तक सीमित रह जाता, तो हम रेजिस्टेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते, बट इतना नहीं है। बट देन एनीवे इसलिए हम लोग ओम्स लॉ से स्टार्ट तो कर रहे हैं, बट देन लेटर ऑन वी विल रियलाइज दैट रेजिस्टर्स आर द लीस्ट यूज्ड या यूजफुल थिंग इन अ इलेक्ट्रिक करंट सिचुएशन। इसलिए इनफैक्ट ये जो ओम्स लॉ कर रहे हैं ये भी ओवररेटेड है इन द सेंस कि अब देखो कोई न्यूमेरिकल हिसाब तो नहीं है, बट जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव आई एम गिविंग यू सम स्टैटिस्टिक्स। अगर 100 सर्किट्स अलग अलग टाइप कर लोगे, ऑब्वियसली सर्किट बिलियंस में है, बट मैं बिलियंस को 100 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज ए परसेंटेज, तो देखना इवन 1% सर्किट्स में भी ओम्स लॉ नहीं लग पा। बट देन वी स्टडी इट सेपरेटली, व्हाई, बिकॉज़ इट इज द सिंपलेस्ट वन, और इसके बाद के जो सर्किट्स होते हैं वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो वो इस लेवल पे तो नहीं करेंगे,
बट जस्ट फॉर योर पर्सपेक्टिव आई मीन पूरे दुनिया में अगर 100% सर्किट्स है सो आई एम इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ सर्किट्स ओनली इवन 1% ऑल्सो विल नॉट फॉलो ओम्स लॉ यानी कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर सर्किट्स नॉन लीनियर होता है पर हम लोग आज के दिन में जो फोकस कर रहे हैं या इस चैप्टर में जो फोकस कर रहे हैं वो है लीनियर बिहेवियर. लीनियर बिहेवियर मतलब यू ऑलरेडी नो सो देयर इज नथिंग मच टू से अबाउट इट. दैट इज अगर ये आई हुआ ये बी हुआ तो ये अच्छा इसको बी कर लो इसको आई कर लो ऐसे ग्राफ होता है. इट्स नॉट 45 डिग्री पर से ये थीटा है और टैन थीटा इज द स्लोप एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज रेजिस्टेंस. फिर हमें ये भी पता है कि एक रेजिस्टर अगर देखते हो ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसका डायरेक्टली ग्राफ तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसे होता है रो एल बाई ए वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी. ठीक है और लेंथ तो एल है और एरिया ए है तो ये ध्यान रखना इसका. ठीक है लो अनिरुद्ध फिर स्टार्ट हो गए तुम्हारे ग्राफ आते दिमाग बंद करो ये सर डोंट बी सो चाइल्डिश. देखो रो रेजिस्टिविटी हो गया एल लेंथ हो गया एरिया एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया तो ये सब चीजें मालूम है तुम लोगों को. ये रो ध्यान रखना इज नॉट फिक्स्ड वैल्यू. कन्वर्ट से फिक्स्ड वैल्यू मतलब देखो अगर मान लो मैं पूछूंगा रो ऑफ कॉपर बताओ तो जनरली क्या होगा देखना तुम्हारा चार्ट में देखो तो रो ऑफ कॉपर के वैल्यू क्या है. लेकिन ध्यान रखना रो ऑफ कॉपर के साथ साथ ठीक है ना देखना एक और चार्ट भी होता है जो कि जनरली हम लोग देखते नहीं है कि हमें हमें इतना ज्यादा जरूरत पड़ता नहीं और वो है कि रो का चेंज किस रेट से होता है. सो देयरफॉर जनरली बुक्स में क्लास 10 तक ये लिखा रहता है कि रो इज अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल. तो मैं उसको थोड़ा सा चेंज करूंगा नाउ दैट यू आर ग्रोइंग अप वैसे तो थोड़ा बहुत आइडिया ऑलरेडी होगा. And that is rho is a constant for a particular material at a particular temperature. यानी it's a temperature dependent. ठीक है ना? अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो rho है, ये change होता रहता है. And that is rho theta is equal to rho naught into 1 plus alpha theta. अभी थोड़ा ध्यान से सुन लो. Rho theta means resistivity at temperature increment of theta. अब ये एक problem हो जाता है कि ये रो नॉट आर्बिट्री टेम्परेचर. ठीक है तो रो नॉट इज बेसिकली इनिशियल रो और थीटा इज नॉट टेम्परेचर थीटा इज टेम्परेचर चेंज. तो रो थीटा मींस रेजिस्टिविटी आफ्टर अ चेंज ऑफ टेम्परेचर थीटा. ठीक है ना ध्यान रख एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा थीटा. अब ये अल्फा क्या है अल्फा इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी वो भी अप्रोक्सीमेटली ट्रू. ठीक है ना अल्फा इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी एंड दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट. अच्छा ये जो अल्फा का वैल्यू होता है वो उतना भी कम नहीं है क्या इसको नेग्लेक्ट कर दो क्या अल्फा छोटा मोटा वैल्यू ऐसे नहीं क्योंकि एक्चुअली ध्यान रखना जब टेम्परेचर इंक्रीमेंट करते हो तो साथ में एल और ए भी बढ़ता है मतलब बढ़ता है इन द सेंस की ये वैल्यूज बदलता है तो देयरफॉर उसके वजह से भी रेजिस्टिविटी सॉरी रेजिस्टेंस इंपैक्टेड होता है लेकिन ये उतना कुछ खास नहीं होता. सो देयरफॉर वी जनरली डोंट टेक इन अकाउंट व्हाट वी टेक इन अकाउंट इज द चेंज इन द रेजिस्टिविटी. ठीक है ना तो ये आ गया टेम्परेचर कोफिशिएंट राइट. तो इसके वैल्यूज अलग अलग होता है. इंटरेस्टिंगली लेट्स अंडरस्टैंड रेजिस्टेंस इन इट्स माइक्रो फॉर्म एंड ऑल्सो why does the resistance increase with temperature. Let's have a quick overview. I mean agar main dekhta hu ek matter so we are talking generally of solids only वैसे liquid aur uske liye bhi valid hai. suppose ek solid matter hai to uske andar atoms molecules sab pura 3d structure mein fit hai kyunki solid mein to koi chal nahi sakta wahi pe khade khade vibration kar sakta now that's important kyunki maan lo main agar atom hu ya main agar ek molecule hu ya jo bhi unit of calculation karna chahte ho suppose main ek atom तो याद रखना जो भी टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है इस वक्त उस टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं वाइब्रेट भी करता हूं प्रॉपर तक कैसे यानी वैसे तो मेरा वॉल्यूम यहां से लेके यहां तक है लेकिन जो इफेक्टिव स्पेस मैं ऑक्यूपाई करूंगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा कंपेयर टू माई ओरिजिनल वॉल्यूम. व्हाई बिकॉज़ आई एम आल्सो वाइब्रेटिंग.
सो देयरफॉर अगर एक मॉलिक्यूल अगर मैं स्टेशनरी होता तो मॉलिक्यूल सॉरी अगर इलेक्ट्रॉन एकदम यहां से बगल से निकलना चाहता है तो मैं जाने दूंगा, लेकिन मैं स्टेशनरी नहीं हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे वाइब्रेशन कर रहा हूं, तो इसलिए क्या होता है मैं थोड़ा और जगह के इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर दूंगा जाने के रास्ते में. तो देयरफॉर आई ऑब्स्ट्रक्ट विद इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ माई सेल्फ मोर देन माई ओन वॉल्यूम. कि मैं अगर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा हूं तो इतना वॉल्यूम ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा अगल बगल वाले एरिया को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हूं. दैट्स द इफेक्टिव. दूसरी बात, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरे वाइब्रेशन भी बढ़ेंगे. सो लाइक आई विल नाउ वाइब्रेट विथ मोर दिस थिंग वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड. इससे क्या होता है इफेक्टिव स्पेस ऑफ ऑक्यूपेशन बाय मी विल इंक्रीज. अब इसको उल्टे तरफ से सोचो कि दो एटम्स के या दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो जगह है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन निकलने का स्पेस है. तो अगर मान लो ये दोनों मान लो ऐसे मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे तो ये सारा स्पेस अवेलेबल. आप मॉलिक्यूल अगर ऐसे से वाइब्रेट कर रहे तो ऑब्वियसली स्पेस कम हो जाता है. यानी जो स्पेस मिलता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करके करेंट सर आप म्यूट हो गए. हेलो सर आप म्यूटेड. सर आप म्यूट हो गए. म्यूटेड सर आप म्यूट हो गए. सर आप म्यूट हो गए हो. सर आप म्यूट हो गए. सर को नहीं. सर आप म्यूट हो गए हो. सर म्यूट हो गए. सर आप म्यूट हो गए. सर आप म्यूट हो गए हो. अनम्यूटेड म्यूट हो. इससे म्यूट हो गए. क्या चक्कर है सर. अब आ रही आवाज. अब आ रही आवाज सर. हाँ वो तो ठीक है पर ये म्यूट का चक्कर क्या है. ये तो मुझे लगता है सीआईडी लगाना पड़ेगा. सीआईडी लगा के लगता है निकालना पड़ेगा है ना. वैसे एक तरीका है कि सब कुछ बंद कर दिया जाए वो पार्टिसिपेंट में जाके पता नहीं क्या क्या चेंजेस सेटिंग करना पड़ता है. देखो मैंने क्या बोला कि टेम्परेचर के साथ साथ मैं ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं तो देयरफॉर जो इलेक्ट्रॉन्स को जगह मिल रहा है फ्लो करने के लिए वो स्क्वीज हो रहा है. तो इसलिए टेम्परेचर के साथ साथ क्या होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो कंस्ट्रिक्टेड हो रहा है रेस्ट्रिक्टेड हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए जो जगह मिलता है वो थोड़ा कम होता जा रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल्स आप वाइब्रेट कर करके और ज्यादा इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम हो जाते हैं करंट कम हो जाता है. हम इसको ओवरऑल इंटरप्रिटेशन क्या कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ेगा तो इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपेशन बाय मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो इफेक्टिव स्पेस अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स फॉर फ्लोइंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू करंट घटेंगे यानी ओवरऑल करंट घटेगा. इसी को जनरली फिजिक्स के टर्म्स में इंटरप्रेट ये करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ गया यानी बेसिकली रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी. दैट इज व्हाट द इंटरप्रिटेशन इज. बट देन यू माइट बी रियली सरप्राइज्ड कि ऐसे नहीं है. ऐसे नहीं है. कई बार अल्फा का वैल्यू नेगेटिव भी आता तो ऑब्वियसली फिर वहां ये लॉजिक तो काम नहीं कर सकता है नहीं. तो वहां थोड़ा इंटरप्रिटेशन अलग है. इसके बारे में हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे. इट्स जस्ट दैट अभी थोड़ा वो टॉपिक अलग हो जाता है इसमें जाना नहीं चाह रहा हूं. अभी मेरा पर्पस बस इतना ही था कि मोस्टली क्योंकि इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपेशन बढ़ जाता है टेम्परेचर के साथ तो स्पेस अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉन फ्लो डिक्रीज करता है और इस वजह से करेंट डिक्रीज करता है और इसको हम इंटरप्रिट करते हैं एज रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है थ्रू रेजिस्टिविटी. That's the interpretation. तो इसी के लिए वो फॉर्मूला लिखा है. ये फॉर्मूला अल्फा इज द टेम्परेचर सॉरी अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट जो कि मटेरियल स्पेसिफिक होता है. Now that's the overall discussion. अभी let's quickly now get into this royal vein thing. इसके पहले जो है हमें जरूरत पड़ेगा तो वो सब तो पता ही है सीरीज पैरेलल का तो इसलिए मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूँ. मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा विच इज दैट वो टू वाला तो मैं चाहता हूँ कि बस इसका खुद ही आंसर बता दो. अगर ये R1 है ये R2 है और अगर I करंट है इन दैट केस इसके थ्रू जो करंट जाएगा वो I1 है और इसके थ्रू जाएगा वो I2 है. तो I1 क्या होगा
देखो लॉजिकली हम पता कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे, हम इसको लॉजिकली इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे लॉजिकली कि हम लॉजिकली इसको इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि पैरेलल में ज्यादा रेजिस्टेंस वाले से कम करंट आएगा और कम वाले रेजिस्टेंस से ज्यादा करंट आएगा। तो देयरफॉर याद रखना भी आसान है, I1 में हो जाएगा R2 by R1 plus R2 into I, ये खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। एंड ऑब्वियसली फिर काउंटर पार्ट I2 is equal to R1 by R1 plus R2 into I, ये हो गया 2 हो गया पैरेलल के लिए, 2 सीरीज के लिए ये R1 R2। सपोज मैंने अप्लाई किया V वोल्टेज तो इसके अक्रॉस से वो V1 हो जाएगा, इसके अक्रॉस से V2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम करंट है तो पहले वाले का वोल्टेज होगा आई आर वन, दूसरे का आई आर टू, यानी आर वन आर टू को प्रोपोर्शनल है, इसलिए वी वन हो जाएगा आर वन बाय आर वन प्लस आर टू इंटू वी, और वी टू हो जाएगा आर टू बाय आर वन प्लस आर टू इंटू वी। ये थोड़ा बहुत तो ऑब्वियस लग गया होगा आई होप, अगर नहीं लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये देखना कोशिश करोगे तो दो मिनट में डिराइव कर लोगे, जिससे मैं इसको डेरिवेशन नहीं करूं, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया, क्योंकि हम इस वक्त यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। सपोज मैं कहता हूं ये रहा, सपोज मेरे पास है सॉलिड, एक काम करो पहले थोड़ा सिंपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, एंड दैट इज सपोज दिस इज अ क्यूबॉइड। एक थोड़ा सा चीज एक बता देता हूं उसके बाद हम करेंगे, ये भी पहले जी का ही क्वेश्चन है, सिंपल है, कोई ज्यादा हाईफाई नहीं है, लेंथ ब्रेड हाइट। तो मैं इनको ना डायरेक्शन के हिसाब से असाइन कर देता हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, ठीक है ना। एक मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, दैट इज रेजिस्टेंस इज आइसोट्रोप बट रेजिस्टिविटी एनआइसोट्रोपिक हो गया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज आइसोट्रोपिक। इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है लेकिन रेजिस्टेंस डायरेक्शन इंडिपेंडेंट नहीं है, रेजिस्टेंस डिपेंड कर सकता है, ठीक है ना। जैसे मैंने जानबूझ के इसलिए एक्स वाई और जेड दिया है, तो इससे मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एंड दैट इज आर एक्स आर वाई और आर जेड का रेशियो, टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ आर एक्स आर वाई एंड आर जेड, क्या रेशियो है। हाँ तो अच्छा रोहन ने एक सवाल पूछा, दैट इज आपने एक बार पूछा था कि रेजिस्टेंस बढ़ती है लेंथ बढ़ने से और एरिया घटाने से, तब भी पतले वायर्स यूज होती है सर्किट्स में, उसका क्या रीजन है। देखो सुनो मैं समझ गया। अच्छा उसके पहले एक्चुअली मैं एक और कमेंट भी पढ़ रहा था, इज दैट कि आप ही के क्लास में म्यूट हो जाता है तभी तो मैंने बोला सीआईडी लगाना पड़ेगा, या तो कोई म्यूट कर रहा है और अगर कोई नहीं कर रहा है तो इन दैट केस या तो सिस्टम में कुछ ऐसे है कि आई डोंट नो क्या पॉसिबिलिटी है ये तो मैंने भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं पड़ा पर जरूरत का नाम महात्मा गांधी, तो अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा आरएनडी भी करना पड़ेगा। अच्छा नहीं आंसर इन रोहन क्वेश्चन, देखो घर में मजबूरी है, घर में लेंथ को अवॉइड कर नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि जब बाहर से तार आएगा जो भी म्यूनिसिपैलिटी के जो भी कनेक्शन होता है तार आएगा तो वहां से, तो अच्छा प्लस घर में एक जगह तो सब कुछ रखोगे नहीं कि तार छोटे से भी काम चल गया, तो अलग अलग जगह होगा, कोई एसी का तार, बिजली का, कोई एग्जॉस्ट फैन टाइप का कॉर्नर में ऊपर पे होगा, तो हर एक अपना अपना किचन में ही रखना पड़ेगा सारे
जो भी मिक्सर ग्राइंडर ओवन ओवन ये सब है ना, या और भी चीजें फ्रिज वगैरह टाइप का. तो देयरफॉर देयर आर स्पेसिफिक लोकेशंस वेयर यू टू कीप द थिंग. सो देयरफॉर वायर का लंबाई में तो तुम कुछ कर नहीं पाओ. अब आ जाओ मोटापा. जितना मोटे वायर्स यूज करोगे तो उतने खर्चे भी तो बढ़ेंगे. सो यू हैव टू एक्चुअली लुक एट बोथ साइड्स. मैंने अभी रिसेंटली में कुछ काम कराया था बिजली का, तो मैंने देखा था कि ज्यादातर जो वायर्स होते हैं वो 0.5 mm का डायमीटर का यूज किया जाता है. ज्यादातर जो वायर्स होते हैं छोटे मोटे जैसे चार्जर वार्जर ये सब. लेकिन जो एसी का वायर है उसमें 2 mm 3 mm 4 mm का भी चलता है वायर. तो मैंने देखा, मैंने तो खुद खरीदा जाके, कि कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 20 times से ज्यादा, 20-30 times ज्यादा हो जाता. इमेजिन करो 0.5 mm से 2 mm 3 mm तक द कॉस्टिंग इज ऑलमोस्ट 20-30 times मोर. सो देयरफॉर यू हैव टू लुक एट द कॉस्ट ऑल्सो. इसलिए पतले वायर्स रखना मजबूरी है. और लंबाई को तो कुछ कर नहीं सकते, जितना बड़ा घर होगा लंबाई वायर का तुम कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते. कुछ है रेस्ट्रिक्ट करने का तरीका, जैसे मान लो वायर को ऐसे ऐसे ना लेके तुम डायगोनल ले आओ. पर डायगोनल कहाँ से लाओ, लटका के तो लाओगे नहीं, उसमें तो रूम का स्टोव खराब हो जाता है. और छत से वायर्स लाना आसान नहीं है, क्योंकि छत में जो बनता है ना मेटीरियल वो बनता है हार्ड मेटीरियल, क्योंकि उसमें मजबूती चाहिए. तो वहां पे तुम कील वील ठोक नहीं सकते, ठोकोगे तो उसकी मजबूती खराब हो जाती. तो देखो तेरे में प्रैक्टिकल इश्यूज है. तो देखो ना तुम लेंथ को अवॉइड कर सकते हो बड़ा करने का, और ना ही तुम एरिया को बहुत बड़ा कर सकते हो टू हेल्प यू, बिकॉज देन द कॉस्टिंग विल बिकम मच मोर. तो देखो इट्स अ ट्रेड ऑफ है ना. आयुष्मान बोल रहे आपने क्या काम कराया था. एक्चुअली कुछ ऑफिस में काम कराया था, तो सारा वायरिंग वगैरह जो है ना नए नए डाला था कॉपर. पूरा वायरिंग में कई तरह के वायर्स लगा. तो एसी का जो वायर लगा वो तो आई थिंक 3 mm या 4 mm का लगा, यूसी में सबसे ज्यादा लोड होता है. तो उसका कॉस्ट और इस बाकियों के कॉस्ट में ऑलमोस्ट 20 गुना फर्क. तो दैट्स व्हाट वाज कमेंटिंग. सो लेट मी रेस्ट, गो बैक. तो RX आर में RZ, तो RX हो जाएगा रो एल बाई ए बी एच बी पी एच इज टू. आर वाई हो गया रो बी बाई एल एच इज टू रो एच बाई तो एच पर बाई एल बी है ना. और ये हो गया आर जेड हो गया रो बी बाई. अब इसे LBH से जो है तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो है ना. फिर हो जाएगा इक्वल टू एल स्क्वायर इज टू एच स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर. सो दैट वुड बी द रेजिस्टेंस रेशियो. हाँ सबका आंसर आ चुका है. सबसे पहले तो आई थिंक शिवम ने आंसर दिया है एल स्क्वायर एच स्क्वायर बी स्क्वायर. बिल्कुल सही आंसर दिया है. ध्रुव ने भी आंसर सही दिया, बट ध्रुव ने इस फॉर्मेट में छोड़ दिया आंसर को. तो ठीक है, वो भी कोई गलत तो है नहीं. मे बी कुड हैव डन वन स्टेप मोर अहेड. दिव्य हमको बहुत क्यूरियस किए. अच्छा ऑफिस में काम कराया था, कौन सा ऑफिस, ऑफिस में क्या होगा है ना. देखो एक टीचर अगर ऑफिस का कुछ काम करा तो क्या करेगा. गेस कर लो खुद ही है ना. एक्चुअली कुछ ऑनलाइन एजुकेशन भी मैं कुछ करने का सोच रहा हूँ, तो इसलिए मैंने एक ऑफिस बनाया. वो अलग बात है कि वो सब लॉकडाउन में सब लॉक हो गया. मतलब नया नया बनाया था, मुश्किल से 7-8 दिन जस्ट स्टार्ट किया था. स्टार्ट भी किया तभी भी ठुक ठुक इधर उधर काम वाम चल ही रहा था, और इतने में लॉकडाउन. चलो दीज आर ऑल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है ना, दे ऑल टीच अस समथिंग. That was the first question. लेकिन ये question था नहीं actually, मुझे पूछना था वो कुछ और था. मैंने फिर सिलेंडर बनाया भी था याद होगा. एक सपोज सिलेंडर है, इसमें चलो इसमें तो ऐसे करते हैं y है ये x है. सपोज मैं कहता हूं, सपोज मैं कहता हूं इसका लेंथ l है, रेडियस r है. सपोज मैं कहता हूं कि इसका जो रेजिस्टिविटी है वो है रो नॉट इनटू एक्स स्क्वायर. क्वेश्चन इज फाइंड रो इक्विवेलेंट. रो इक्विवेलेंट अब देखो दो अलग अलग टाइप के यू नो व्यूज आ रहे हैं.
मनन ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, चलो ठीक है, आई एक्सेप्ट इट विथ ह्यूमिलिटी. और दिव्यम ने बोला लगता है वो ऑफिस लकी नहीं है. लेकिन एक चीज बताओ, ऐसे अगर देखा जाए तो फिर मेरे घर भी अनलकी है. तुम लोग जिस सारे घर में बैठे हो सब अनलकी है, सब घर में बैठ गए है ना, किसको लकी और अनलकी बोलो. So we are all lucky. That's how we should look at it. So we should look at it positively. That's the main. अच्छा नहीं, find row equivalent. किसके equivalent बताना है? लेकिन इससे भी बढ़ के आगे question होगा, and that is वैसे मुझे ना एक चीज और भी पूछना था, is that अगर मान लो इस क्वेश्चन में यहां पे मैंने रखा है वी वोल्ट, तो करंट इधर फ्लो होगा. अगर ये जीरो वोल्ट है तो ये पोटेंशियल वी है और जीरो है. तो तुमको एक चीज और भी बताना है, एंड दैट इज द ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद पोजीशन. द ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद पोजीशन. और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से समझ. तो यहां पे तो V है ना, यहां पे मतलब, और यहां पे जीरो है. तो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ V? दैट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल विद द पोजीशन. तो ये दो तीन चीजें करना है मुझे, ऐसे और भी क्वेश्चन देना है और उसमें और अलग अलग चीजें इन्वॉल्व होंगी, देखना. तो जैसे जैसे एक एक करते रहेंगे पता चल जाएगा. हाँ जी, एक आंसर आ गया. अच्छा नहीं, आंसर नहीं आया. अनिरुद्ध आल्सो सेड सो सैड. अब क्या करें, दीज आर ऑल एक्सपीरियंसेस. ठीक है, आई विल बाय बिकम सैड बिकॉज़ ऑफ दिस, बट दीज आर ऑल स्टेट ऑफ माइंड. आई मीन द क्लासिक एग्जांपल दैट इज गिवन इज दैट कई बार ऐसे जाते हुए देख लेना, मतलब यू कैन वेरीफाई आल्सो. जैसे आंसर आ गया, ओके, एक आंसर आ गया मनन डंगवाल का, दैट इज रो नॉट एल स्क्वायर बाय थ्री. ठीक है, दिस आर वो इफेक्टिव. चलो देख लेता हूं. पहली बात तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा तो वही कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो रेजिस्टेंस को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं. एक तो है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सेक्शंस, अगर मैं यहां पे लेता हूं लेट्स से, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, तो देयरफॉर एक्स डिस्टेंस दूर अगर सेक्शन लेता हूं, एक्स डिस्टेंस दूर ऐसे कर, तो ये पूरा सेक्शन है हमारा. तो रो एल बाय ए, रो मतलब हो गया रो नॉट एक्स स्क्वायर, एल बोलते dx, पाई ए तो चलो पाई आर स्क्वायर होना चाहिए है ना, इज इक्वल टू जीरो टू एल यानी पाई थ्री, यानी रो नॉट एल क्यू पाई थ्री पाई आर स्क्वायर. चलो एक ही आंसर है मनन नंगवाल के, ठीक है ना. और जो है लेकिन मैं रेजिस्टेंस को तो ये भी लिख सकता हूं ना, रो इक्विवेलेंट इनटू एल बाय पाई आर स्क्वायर, ये भी तो लिख सकता हूं. अगर मुझे इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखना है, तो अगर यूनिफॉर्म मटेरियल का इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी का मतलब क्या, कि मैं अगर इस वेरिएबल रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल को रिप्लेस कर देता हूं बाय ए यूनिफॉर्म मटेरियल, तो उसका रेजिस्टिविटी क्या रखना पड़ेगा, तो उसका रेजिस्टिविटी क्या रखना पड़ेगा यूनिफॉर्म मटेरियल का, सो दैट इस वेरिएबल वाले का रेजिस्टेंस और उस यूनिफॉर्म वाले रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस दोनों का रेजिस्टेंस बराबर हो, तो ही हम उस पर्टिकुलर मटेरियल को रो इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते इस पर्टिकुलर मटेरियल. तो ये रो इक्विवेलेंट एल बाय पाई आर स्क्वायर, तो कंपेयर कर लेंगे. यानी इन दैट केस क्या आ गया, देयरफॉर रो इक्विवेलेंट आ गया रो नॉट एल स्क्वायर बाय थ्री.
जस्ट कंपेयर ही करना, तो एक एल कैंसिल हो गया, पाँच स्क्वायर वगैरह कैंसिल हो जाएगा, तो लाइक इट्स एन इजी जॉब. अब आ जाओ पोटेंशियल, नाउ दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. हाँ ठीक है ठीक है. तो लाइक रोनॉट एल स्क्वायर बाई थ्री, वो तो ठीक है. अब जो है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ये अंडरस्टैंडिंग कर लो, क्योंकि इससे ना कई बार सोचना मुश्किल हो जाता है. अगर ये यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी का होता तो हैड इट बीन यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी इन दैट केस दिस इज द ग्राफ. लेकिन ये क्या है, दिस इज व्हाट वुड हैव बीन द ग्राफ हैड देयर बीन अ यूनिफॉर्म रो. अगर रेजिस्टिविटी यूनिफॉर्म होता इन दैट केस ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे होता. अब तुमको सोचना है कि ये स्ट्रेट लाइन तो इस बार होना नहीं है क्योंकि ये तो वेरिएबल है. अब तुमको सोचना पता क्या है, तुमको ये सोचना है कि ग्राफ ये वाला होगा या ग्राफ ये वाला होगा. यानी बेसिकली यू टू बेसिकली थिंक कि तो ये बीच वाला तो यूनिफॉर्म वाले के लिए हो गया. अब हमें सोचना है ना, अब हमें सोचना है कि नीचे वाला ग्राफ होगा या ऊपर वाला, दैट्स द पॉइंट, ठीक है ना, दैट्स द पॉइंट. अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, देखो ध्यान से, दोनों में फर्क है. मैं अगर एकदम मिड पॉइंट पे आ जाता हूं, वैसे मिड पॉइंट इज नो पर्टिकुलर दिस थिंग, आई मीन कोई फिक्स रूल नहीं है, मैं तो ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ. अगर मैं मिड पॉइंट पे आता हूँ तो जरा ध्यान से देखो क्या हो रहा है. अगर ये करेक्ट है लेट्स से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले पोर्शन में ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है ना. देखो पहले वाले पोर्शन में इतना पोटेंशियल ड्रॉप है. मैं कह रहा हूँ अगर ये नीचे वाला ग्राफ सही है तो, और अगले वाले पार्ट में कम पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है. ये देखो ये है नीचे वाले का, ऊपर वाले का उल्टा है. ऊपर वाले का क्या है, अगर ऊपर वाला सही है मान लो, तो दैट केस में यहां पे ड्रॉ करूंगा तो ऊपर वाले हिस्से में कम पोटेंशियल ड्रॉप और बाकी में ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप. अब एक काम करो, इस आइडिया को यूज करते हुए बताओ कि वन सही है या टू सही है. सो नाउ टेल मी अकॉर्डिंग टू दिस वेदर वन विल बी द करेक्ट ग्राफ और वेदर टू विल बी द करेक्ट ग्राफ. आप बताओ वन वाला, ठीक है. अब तो सबने ऑलमोस्ट कह दिया कि वन वाला, आई थिंक दैट्स अ लिटिल ऑब्वियस, क्योंकि रेजिस्टिविटी देखो एक्स से बढ़ता जा रहा है. देखो ये ट्रिक है, समझ लो टेक्निक है, क्योंकि अदरवाइज देखो इसका एक्चुअल फंक्शन अगर जनरेट करने जाओगे वो भी मैं एक बार के लिए कर देता हूँ, बट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट, क्योंकि उससे फिर ना बहुत, एक तो प्रोसेस लंबा हो गया क्योंकि मैथमेटिकल हो गया, यानी पूरा इंटीग्रेशन फिर से करना पड़ेगा ऑल दिस स्टफ, और दूसरी बात ये कि फिजिकल फील्ड से तो अब नहीं हो पाएगा फिर अगर ज्यादा मैथमेटिक्स करो. फिर मैथमेटिक्स में कई बार वो फंक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड आता है कि उसको इंटरप्रिटेशन करना एक दूसरा टास्क बन जाता है या नहीं. ऑन द अदर हैंड ये जो हमने टेक्निक बताया इससे क्या हो गया, हमने ये जज करने की कोशिश किया कि सेकेंड हाफ में ज्यादा रेजिस्टेंस है या फर्स्ट हाफ में ज्यादा रेजिस्टेंस. तो वो जो है ना रेजिस्टिविटी का फंक्शन देख के समझ लो कि 99% चांस है कि वो निकल जाएगा या पता चल जाएगा. तो इसमें तो ऑब्वियस है कि एक्स स्क्वायर के साथ यानी सेकेंड हाफ का रेजिस्टेंस ज्यादा है. तो अगर सेकेंड हाफ का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि एक्स का वैल्यू ज्यादा हो जाता है सेकेंड में, तो ऑब्वियसली सेकेंड हाफ का रेजिस्टेंस ज्यादा होने से सेकेंड हाफ का पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा. तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो सेकेंड हाफ में पोटेंशियल डिफरेंस कम आया. अगर टू सही है तो वन वाला सही होगा, क्योंकि वन वाले में क्या होगा, अब मैं देखो बता देता हूँ वन वाले में क्या हो रहा है. देखो ये इसका कॉरिस्पॉन्डिंग ग्राफ है, मतलब वन वाले में क्या हो रहा है, फर्स्ट हाफ में ये ड्रॉप हो रहा है क्योंकि फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में ये ड्रॉप हो रहा है, ठीक है ना. ये वन वाले के हिसाब से बता रहा हूं अब जो मैंने बताया, ठीक है ना, वन वाले के हिसाब से ये दिस ऑल विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ वन, एंड देयरफॉर इस बार वन वाला ग्राफ सही हो जाएगा. और ये टेक्निक जो है ना आगे भी यूज करना. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आएगा, एंड दैट इज, हाँ बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दे दिया, वेदांत शिवम मनन कार्तिक रचित सक्षम ध्रुव
रोहन सबने करेक्ट आंसर दिया. आयुष्मान बोल रहे हैं कि बट यू हैव कंसीडर ओनली दीज टू केसेस. देखो पॉलिनोमियल में ना ट्रेंड्स बहुत जल्दी बदलता है और ये जो ग्राफ है मतलब जो फंक्शन है वो एक स्क्वायर का है. तो देखो जो ट्रेंड एक बार बनेगा ना उसी ट्रेंड से चलता जाएगा. सो देखो वी कैन से दैट द ग्राफ विल बी वन ऑफ दिस. तो ये तो मैं सेफली बता सकता हूँ. हाँ अगर कहीं साइन कॉस वगैरह होता है तो इन दैट केस इज अ प्रॉब्लम. साइन में कई बार ट्रेंड्स ऊपर जाके नीचे भी आता है, ऑल दोस थिंग्स आते हैं. बट देन देखो साइन कॉस के आने के चांस थोड़ा सा कम भी है. क्यों? क्योंकि साइन के वैल्यूज नेगेटिव भी हो जाता है. बट देन यू माइट से मॉड लगा के भी तो आ सकता है. अभी मैंने बोला कि आ सकता है, मना नहीं कर रहा. तो उस केस में क्या होगा, फिर हम पता क्या करेंगे, 0 to 90 degree अलग इंटरप्रिटेशन करेंगे क्योंकि रेजिस्टिविटी उसमें बढ़ रहा है. साइन फंक्शन अगर है तो फिर 90 degree से 180 degree फिर रेजिस्टिविटी घट रहा है, यानी उसको फिर फर्दर दो पोर्शन में डिवाइड करके उन दोनों के बीच में फिर ग्राफ अलग अलग टाइप का बनाएंगे एंड सो ऑन. तो देखो मैथमेटिकली चैलेंज का लेवल बढ़ाया जा सकता है, मना नहीं कर रहा. बट मोस्टली देखना ये जो मैंने हाफ हाफ एनालाइज किया है इससे मोटा मोटा देखना आंसर आ जाता है, मोस्टली आ जाता है. अनलेस यू गो इनटू साइन फंक्शन कॉस फंक्शन और ऑल दोस थिंग्स, वहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक आ जाता है. बट दैट्स अ वेरी रेयर चांस ऑफ कमिंग, है ना. तो लाइक यू कैन अंडरस्टैंड दैट. अक्षित ने दो क्वेश्चन पूछा है, नहीं एक क्वेश्चन. अच्छा हाँ, बाय द वे सपोज अगर बाय द वे ये तो मैं थोड़ा मिटा दूंगा क्योंकि अब तो हो चुका है इसका डिस्कशन. सपोज मैं बाय द वे कह देता हूँ कि नहीं मुझे ना वी एट एक्स निकालना है. सपोज मैं कहता हूँ नहीं मुझे ना वी एट एक्स निकालना है, तो क्या होगा, है ना. तो इन दैट केस पता है क्या होगा, वो हो जाएगा वी एट एक्स विल बी इक्वल टू वी, क्योंकि इनिशियल वैल्यू वोल्टेज को मैंने वी लिया था, माइनस आई इंटू आर एक्स. अब I क्या होगा ना, V by R जो यहाँ पे आ रहा है वही है, rho naught L cube by 3 pi R square and all those things. rho naught L cube by 3 pi R square. और R X क्या होगा, 0 to X तक, यानी हो जाएगा rho naught X cube by 3 pi R square, है ना. तो ये सब कुछ कैंसिल कर जाएगा, यानी इक्वल टू v इंटू 1 माइनस x क्यूब बाय l क्यूब, ठीक है. तो v एट एनी x ये आ जाए, ठीक है, एक बार चेक कर लेना. एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया वैसे प्राइवेट में, एंड दैट इज अब हम ऑफिस के टूर कब कराओगे. वैसे सबसे आयरनिकल बात बताऊं, ऑफिस का टूर मैं खुद ही नहीं कर पा रहा फॉर ऑब्वियस रीजंस, जबकि मैं चाहता हूं लेकिन क्या करूं, कांट डू इट राइट नाउ. अच्छा चलो लेट्स प्रोसीड. अभी इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अलग है, और वो है यहाँ पे एक पार्टली हॉलो एंड थिक सिलेंडर, इसके मटेरियल ऐसे, ठीक है ना. तो इसका रेडियस है स्मॉल आर और कैपिटल आर, ठीक है. और इसका जो रेजिस्टिविटी है, या एक काम करो ए और बी, तो रेडियाई आर ए कॉमा बी, अंदर का रेडियस ए है और वो छोटा छोटा लिखा है, पता नहीं पढ़ा जा रहा है नहीं पढ़ा जा रहा, जिसमें सुना दी, और बी रेडियाई, और ये दे रखा है रेजिस्टिविटी इज रो नॉट इनटू आर. फाइंड रो इक्विवेलेंट एंड दूसरा वी एक्स ग्राफ. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करंट एक्सियल है, लेकिन अभी मैं इसके चेंज भी करूंगा, ये करंट. तो रो इक्विवेलेंट ये हो गया, वी एक्स ग्राफ बनाना है. तो स्टार्ट बाय ड्राइंग दी वी एक्स ग्राफ. तो मैं फिर से वही कर देता हूं,
1, 2, 3 तो V वर्सेस X का ग्राफ, अगर इधर V वोल्टेज है इधर जीरो वोल्टेज, ठीक है ना, तो V वर्सेस X ग्राफ में कौन सा होगा, 1, 2, 3 बाकी V at any X तो मैंने निकाल दिया, ये भी एक somebody was trying it seems, अक्षित was trying. Okay, Vedanta has given an answer already. बाकी भी ट्राई करो. Okay, Manan Dangwala has also given the same answer. ठीक है, अब सबका सही आंसर आ रहा है, रचित ने भी दे दिया आंसर. ठीक है, जय गौर, बिल्कुल सही बात है. इस बार एक्चुअली रेजिस्टिविटी के एक्स के अलोंग कोई वेरिएशन ही नहीं. Therefore, इस बार इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दो द रेजिस्टिविटी इज वेरिंग रेडियली, बट उससे कुछ खास असर नहीं पड़ रहा इस ग्राफ, क्योंकि अगर मैं सिलेंडर को ऐसे चॉप कर देता हूं अलग 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 टुकड़े में, तो यानी क्या क्या निकलेगा, पतले पतले डिस्क आएंगे, पतले पतले डिस्क. इस सिलेंडर में भी अगर चॉप करो अलग अलग, तो यानी डिस्क आएंगे, पर इधर वाले डिस्क और उधर वाले डिस्क में अंतर था. इस बार नहीं है, इस बार इस वाले डिस्क का, इस वाले डिस्क का, इस वाले डिस्क का, इस वाले डिस्क का, चारों के रेजिस्टेंस सेम आएगा अगर मैंने dx 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 चारों का सेम किया तो. सो देयरफॉर इस बार अलोंग x एक्सिस नो वेरिएशन, यानी सिंपल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, इसलिए सेकंड वाला सही होगा. ठीक है, बिल्कुल सही, बाद में भी लोगों ने आंसर करेक्ट किया, दिव्य ने भी दे दिया, जय दिव्य. नाउ क्वेश्चन इज अबाउट हैंडलिंग द वेरिएशन. इस बार अगर वेरिएशन को हैंडल करना चाहते हो तो ये जगह घेर रहा, मैं इसको बिठा रहा हूं, तो इसका डिस्कशन हो गया, टू इज ओवर, बी एक्स्ट्रा ओवर. इस बार क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा वैसे डायग्राम बनाना पड़ेगा, मैं अलग से डायग्राम बना देता हूँ, है ना, जिसमें मैं सेक्शन ऐसे लूंगा, और इस बार ना पैरेलल में लेना पड़ेगा सेक्शन. ठीक है, और अंदर वाला जो है ऐसे करके ले लिया, एंड सो तो ये जो रेजिस्टेंस होगा इसका dr, वो होगा रो, मैं इसका रेडियस ले लेता हूं स्मॉल r, ये वाला रेडियस, रो l, l तो l ही होगा क्योंकि जितने भी सिलेंडर्स में लूंगा सबके लेंथ सेम है, l by A. A बोलते क्या होगा, एरिया फेसिंग द करेंट, विच इज एक्चुअली दिस इज दिस वन, एंड दैट इज 2πr. ये इंपॉर्टेंट है, इस बार dr हो जाएगा रोयल बाय 2πr dr. लेकिन इस बार जो है ना करेंट, मतलब जो सेक्शंस मैंने लिया है उसमें जो करेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो पैरेलल में हो, क्योंकि ये बेसिकली क्या हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया, समझ लो इस तरीके से कुछ हो गया ऐसे, यानी बेसिकली क्या हो गया, अब जो है ना करंट जब आएगा यहां से तो वो एक एक शीट में, एक एक शीट में बढ़ जाएगा, ये कुछ नहीं कॉपी है तो जिसको ऐसे करके वो कर, एक एक शीट में बटेगा, यानी कि वो करंट आके बट जाएगा इन वेरियस शीट्स, तो देयरफॉर दे आर ऑल इन पैरेलल, यानी इस बार मैं इंटीग्रेशन 1πdr कर रहा हूं, यानी 2πby rho l into r dr, sorry rho 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 भी आएगा, rho क्या है, rho not r cube, ये a और ये b, तो 1 by r square, तो dr by r square का तो 1 by r, 1 by यानी 2πby l, 2πby rho naught L, 1 by B minus 1 by A, ऊपर से तो यानी 1 by A minus 1 by B, यानी B minus A by AB. तो therefore, इस बार जो equivalent resistance आ गया, वो आ गया rho naught AB L by 2πinto B minus A. ठीक है? और एक छोटा सा step बचा, that's why we will wind up, I mean.
एंड दैट इज क्योंकि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट भी निकालना है, तो यानी क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको यूनिफॉर्म मानते हुए, एक बार यूनिफॉर्म मानते हुए भी इसका रेजिस्टेंस निकालना। तो अगर मैं यूनिफॉर्म लेके करता हूँ रेजिस्टेंस तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कैन ऑल्सो बी रिटन एज रो इक्विवेलेंट इनटू एल बाय ए, ए इज पाई इनटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो देयरफॉर रो इक्विवेलेंट हो जाएगा इक्वल टू है ना एल बाय पाई कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस ए ऊपर जाते बी प्लस ए रह जाएगा, एल भी कैंसिल, ए बी बाय रो नॉट ए बी बाय एल तो कैंसिल है, बी प्लस ए और एक टू आ जाए। तो मैंने बस इक्वेट किया, मैंने इसको और इसको इक्वेट कर दिया, तो जो रहे क्या वो लिख दिया, रो नॉट ए बी बाय टू इंटू बी माइनस ठीक है, एक बार चेक कर लो। इस बार के लिए क्या करना पड़ा ना, मैंने यूनिफॉर्म जब लिया तो ऑब्वियसली मेरा एरिया हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एनुलर वाला पार्ट, ठीक है ना। तो रो एल बाय ए उस तरीके से कर लिया और इंटीग्रेशन से जो आंसर आना था वो तो आ ही चुका है, दोनों को इक्वेट किया, इन दैट केस रो इक्विवेलेंट भी आ गया और वेरिएशन तो हमने देखा ही था कि इस केस में लीनियर है, यानी ठीक है। इज दैट ओके देन, इसमें कोई डाउट? वैसे इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन मुझे करना है, बट चलो आज तो हम नहीं करेंगे ऑब्वियसली, तो फिर हम कल के क्लास नहीं करेंगे, ठीक है ना, बाकी जो है कल के क्लास में करेंगे भाई। अच्छा मैंने ना ग्रुप में पूरा डिटेल एनालिसिस भेज दिया है, तो एक बार जरा देख लेना, आई होप आई हैव डन इट नाउ फाइनली दिस थिंग, आई मीन एज पर दी आंसर चॉइस जो हमने डिस्कस किया था, और उसमें से अगर कुछ है तो अभी भी तो इन दैट केस में भी कर दे, ठीक है ना, वैसे पूरा डिटेल भेज दिया। Now I am knew that this question always comes, and that is ये तो dimensionally गलत लग रहा है, actually ना initially लगता है, but actually dimensionally क्यों गलत नहीं बताता हूँ मैं, क्योंकि ये जो rho naught लिखा है ना, हाँ ये जो rho naught लिखा है ना, ये rho का dimensions थोड़ी है, ये rho naught तो मतलब resistivity का जो dimension है उसके साथ r cube divide करोगे तो rho naught का dimension है, so therefore ये जो rho naught लिख रहा हूँ मैं, इसको rho naught का dimension मत समझो, ये रो नॉट बाय आर क्यूब यानी एल क्यूब के डायमेंशन, तो देयरफॉर रो नॉट को एल क्यूब वाले टाइप का कोई नंबर से या कोई क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तब जाके रेजिस्टिविटी का डायमेंशन है, और वो हो भी रहा है, ये देखो रो नॉट इनटू ए बी एल स्क्वायर हो गया और बी प्लस ए तो एल हो गया, तो रो नॉट एल क्यूब टाइप का आ गया, तब ना जाके रेजिस्टिविटी का डायमेंशन बनेगा, तो वो रो नॉट जो है ना रेजिस्टिविटी का डायमेंशन नहीं। सो ये कॉमन क्वेश्चन है, आई न्यू दैट इफ समबडी माइट आस्क, चलो कोई नहीं अब एक्सप्लेन हो गया, ठीक है ना। चलो तो यानी ग्रुप में मैंने डाल दिया, तो एक बार देखना लास्ट टाइम एनालिसिस करते कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, तो इन दैट केस फिर हम उसी को आंसर चॉइस को सॉरी उसी मार्किंग को फाइनल कर, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है, बाय बाय। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बेटा बोलो। मतलब जैसे कहते हैं कि इनवर्ट फ्लक्स और आउटवर्ट फ्लक्स दे रखा है, तो हम इनवर्ट को नेगेटिव अपने आप अज्यूम नहीं करेंगे? हाँ इनवर्ट माइनस होगा और आउटवर्ट प्लस होगा। तो जैसे 5-2 माइनस 5-1 वो 7th क्वेश्चन में दे रखा था, उन दोनों को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 5-1 पहले से ही नेगेटिव होगा। एक्चुअली इफ यू लुक एट देयर आर मेनी इंफॉर्मेशन, मैं भाई काम कर मैं पेपर का लैंग्वेज देख लूंगा, ठीक है ना, बट व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन? सर अभी है नहीं आसपास, मैं समझ गया, आई गॉट योर कंसर्न। चलो एक बार मैं देख लूंगा पेपर में, देख लूंगा, ऐसे अगर किसी को और इश्यू है तो एक बार मुझे मैसेज कर देना, तो मैं एक बार देख लूंगा, आप तो लुक एट। चलो ओके भाई, बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सर, बाय बाय।